पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में अलर्ट जारी किया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने हर तरफ अपनी चौकन्नी नजरें जमाई हुई है और इसी कड़ी में मंगलवार को ख्वाजा नगरी अजमेर में भी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जांच अभियान चलाया गया। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आज पूरे दिन पुलिस ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और डॉग स्क्वाड की भी इस जांच अभियान में शामिल किया गया। एक रिपोर्ट। एक तरफ देश में पठानकोट का आतंकी हमला तो दूसरी ओर गणतंत्र दिवस का पर्व। वहीं जैसलमेर सीमा पर कुछ आतंकी कमांडो को देखे जाने की खबरों के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ी हुई है। कहीं पूरी प्लानिंग से जांच अभियान को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं आकस्मिक जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। ये तस्वीर है आज में रेलवे स्टेशन की, जहां आज अचानक सुरक्षा जांच अभियान शुरू किया गया और यहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। आईबी के अलर्ट के बाद हरकत में आई पुलिस ने आज आरपीएफ, जीआरपी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे स्टेशन पर अपनी तहकीकात की। जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभी जो अलर्ट मिला हुआ है उसी को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। पठानकोट जो टेरर अटैक के बाद जो थ्रेट मिला हुआ है हिंदुस्तान में, उसी के तहत 26 जनवरी तक विशेष सतर्कता बरती जा रही है और इसी के तहत आज हमने एक सरप्राइज कम्बाइंड जॉइंट सर्च ऑपरेशन का संचालन किया है। उसी के तहत अजमेर स्टेशन के सभी भागों में विशेष चेकिंग, गहन चेकिंग की जा रही है। इस अभियान में सिटी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और हमारे जो दस्ता है, डॉग स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, सभी सम्मिलित किए गए हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन पर केवल आरपीएफ या जीआरपी ही नहीं बल्कि जिला पुलिस ने भी आज अपना चेकिंग अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी परिस्थितियों में कैसे निपटा जाए, आज उसकी भी रिहर्सल की गई। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि आज भी कोई थ्रेट पुलिस को मिली थी। इसका पर्पज ये है कि जो आरपीएफ है और सिक्योरिटी फोर्स है, इंटेलिजेंस है और हमारे जिला पुलिस की तरफ से एक साथ संयुक्त अभियान चलाया गया कि जनता में अवेयरनेस हो और जो कुछ भी संदिग्ध हो और अचानक अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कैसे कार्रवाई करें, क्या हमारी मॉक ड्रिल रहे, उसका हमने आज यहाँ पे अभ्यास किया है। गणतंत्र दिवस से पहले सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा, और क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है और हमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो मॉक ड्रिल है ये की गई है। आपको बता दें कि एक तरफ 10 दिन पहले पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला और उसके बाद जैसलमेर सीमा पर कुछ आतंकियों के देखे जाने की खबरों के बाद आईबी की ओर से भी सभी को अलर्ट किया गया है। वहीं नजदीक ही आ रहे गणतंत्र दिवस को देखते हुए भी अब सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। पठानकोट पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद हाल ही में जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र में 10 से 15 आतंकवादियों के मौजूदगी होने की भी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली। इसके बाद तो जांच एजेंसियों की नींद ही हराम हो गई। अजमेर में आज पूरे रेलवे स्टेशन को चप्पा चप्पा छान मारा।
यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ता, आरपीएफ और जीआरपीएफ सहित जिला पुलिस की टीम, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने पूरे रेलवे स्टेशन को खंगाल डाला। राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री रेलवे स्टेशन पर नहीं मिली और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति की यहाँ पर कोई गिरफ्तारी हुई। कैमरामैन कौशल सेन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।